केजरीवाल के वादे निकले झूठे, मजदूरों के साथ दिल्ली सरकार ने किया फरेब, दिल्ली वालों का तोड़ दिया दिल, कोर्ट लेगी आप सरकार का हिसाब किताब। आज प्रोक्योर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 24 रुपए के आसपास हम प्याज अपने सारे FPS के जरिए और मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे सप्लाई कर सकें। तो इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम सप्लाई कर सकते। आज निर्णय लिया है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 2.1 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी पूरी दिल्ली के अंदर, 2,10,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशे अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केजरीवाल सरकार पर विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा है कि वो जुमलेबाजों की सरकार है, वादे तो बड़े बड़े करती है पर निभाती उन्हीं को है जिस पर सियासी फायदा हो, और फिर किए हुए काम को विज्ञापनों में भी खूब छपवाया जाता है ताकि जनता को मालूम चल जाए कि ये काम सरकार ने कर दिया है। यही वजह है कि केजरीवाल पर भी ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो विज्ञापनी सरकार है, यानी जितना काम नहीं करती उससे ज्यादा दिखावा करती है। पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए जाते हैं और सरकार सिर्फ वादे करके खिसक जाती है, पर इस बार उनका ये पैतरा काम ना आया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महीने दो महीने के बाद जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ सरकार उसका भुगतान करेगी। अब वादा किया तो निभाना भी पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में जाना भी पड़ेगा, पूरा हिसाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि इस बार तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत नहीं न्याय की देवी ने आवाज दी है। कहा जा रहा है कि जुमले वाली सरकार अपने ही जुमलों में फंस गई। दिल्ली सरकार अपने ही जुमलों में फंसती नजर आ रही है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। ऐसे में सवाल ये कि क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों से झूठ बोला, क्या दिल्ली सरकार ने मजदूरों को धोखा दिया, क्या दिल्ली सरकार ने जनता के साथ फरेब किया। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। कहा जाता है कि दिल्ली सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। पिछले कुछ दिनों में गौर करें तो चाहे मुद्दा ऑक्सीजन का हो या फिर अस्पतालों का, फ्लाईओवर्स का हो या राशन का, केजरीवाल सरकार अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहा है। सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में वादा किया था कि कोविड के कारण मारे जाने वाले कोविड वॉरियर्स की आर्थिक मदद की जाएगी, पर यह बात हवा में ही रह गई क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया और उसकी पत्नी कोर्ट के चक्कर लगाती रही, दिल्ली सरकार का दरवाजा खटखटाती रही और केजरीवाल इन दिनों चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, कभी पंजाब तो कभी उत्तराखंड, पर इस बार ये चालाकी नहीं चल पाई। नेता दावे और वादे तो बहुत करते हैं पर पूरे कौन से होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक फैसले में कहा कि एक मुख्यमंत्री या एक सरकारी प्राधिकरण की तरफ से किए गए वादे या आश्वासन पर नागरिक ये अपेक्षा करते हैं कि इसे पूरा किया जाएगा। फैसले में कहा गया है कि ऐसा वादा अदालतों द्वारा स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य है, यानी कि मुख्यमंत्रियों के वादे को अदालत लागू भी करवा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले का असर राजनेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पड़ने की पूरी संभावना है।
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि कोविड 19 महामारी के दौरान यदि कोई गरीब किराएदार किराए का भुगतान करने में असमर्थ है तो राज्य उसका भुगतान करेगा। और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कोरोना महामारी के दौरान गरीब किराएदारों के किराए भुगतान के वादे पर 6 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नागरिकों से किसी मुख्यमंत्री का वादा स्पष्ट रूप से लागू करने योग्य होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 सप्ताह में निर्णय लिया जाए जिसमें उन लोगों के व्यापक हितों का ख्याल रखा जाए जिनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार फायदे के बारे में सोचा गया था, इसलिए आप सरकार इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाए। वहीं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री ने विधिवत आश्वासन दे दिया तो ऐसे में ये दिल्ली सरकार पर ये रुख तय करने की जिम्मेदारी बनती है कि वादे को लागू किया जाए या नहीं। अदालत ने कहा कि वादा भूस्वामियों एवं किराएदारों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए था जो दिल्ली के नागरिकों के रूप में बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं कि क्यों सरकार ने मुख्यमंत्री के वादे की अवमानना करने और उसे अमली जामा नहीं पहनाने का चुनाव किया। जाहिर है कि कोर्ट के इस फैसले का असर सिर्फ केजरीवाल पर ही नहीं उन नेताओं पर भी पड़ेगा जो वादे तो करते हैं पर चुनाव के फायदे के बाद भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जनता ने उनको चुना है और जनता ही सर्वोपरि है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।